अग्निपथ स्कीम पर तीनों सेनाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अग्निपथ योजना बिल्कुल भी वापस नहीं होगी, रक्षा सचिव का ये कहना। सेना में हिंसा करने वालों की भर्ती नहीं होगी, कोचिंग संस्थान छात्रों को भड़काकर और उकसाकर उन्हें आगे कर रहे हैं। 2 साल से इस योजना को लेकर काम चल रहा था, बहुत सोच विचार कर अग्निपथ योजना लेकर आए हैं। 1989 से सेना में सुधार की मांग चल रही थी, हम सेना में जोश होश का कॉम्बिनेशन चाहते हैं। कई देशों की सेनाओं के शोध के बाद ये फैसला। अग्निपथ का मुख्य लक्ष्य सेना की औसत उम्र घटाना, अब सभी भर्तियां अग्निपथ योजना से ही होंगी। 24 जून से वायुसेना में भर्ती होगी शुरू। नौसेना में भर्ती के लिए 25 जून को नोटिफिकेशन जारी होगा, तो थल सेना के लिए 1 जुलाई से नोटिफिकेशन जारी होगा। तो एक एक करके ये नोटिफिकेशन आएंगे, लेकिन फिलहाल ये बात साफ कर दी गई है सेना प्रमुखों की तरफ से कि अब ये योजना वापस नहीं ली जाएगी। तीनों सेनाओं के प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई बातों के बारे में ध्यान दिलाया, यानी उन्होंने बताया कि किस तरह से योजना जो है कारगर लोगों के लिए है, युवाओं के लिए है, और क्यों इस योजना की जरूरत पड़ी, कितने टाइम से इस योजना के बारे में सोचा जा रहा था। जोश और होश का एक कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी था, उसके लिए इस योजना को आगे लाया गया है। और उन्होंने ये भी साफ किया कि 46,000 ये संख्या सिर्फ पहले साल के लिए है, धीरे धीरे जो संख्या है वो बढ़ाई जाएगी। तो कई ऐसी बातें उन्होंने कही, साथ ही साथ ये भी उन्होंने बताया कि जो अभी आरक्षण मिल रहा है या धीरे धीरे जो मंत्रालय है वो बता रहे हैं कि किस तरह से आपके लिए विभागों में नौकरियां होंगी, कितना आरक्षण होगा या किस तरह से आपको प्रेफरेंस मिलेगी, ये तमाम चीजें एकदम से नहीं हुई हैं। इन तमाम चीजों को पहले ही तय कर लिया गया था और उसके बाद अब धीरे धीरे ये चीजें सामने आ रही हैं। उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र किया, तो ये बात भी रक्षा सचिव ने साफ कर दी कि अग्निपथ योजना बिल्कुल भी वापस नहीं होगी, सेना में हिंसा करने वालों की भर्ती नहीं होगी, क्योंकि लगातार जो उपद्रव हो रहा है, जिस तरह से हिंसा प्रदर्शन किया जा रहा है, ट्रेनों को जलाया जा रहा है, सड़कों पर युवा आ गए हैं, तो ऐसे में ये बात साफ की है कि जो लोग हिंसा कर रहे हैं उनकी भर्ती नहीं होगी। जो आज जवान को पे अलाउंसेस मिल रहे हैं वो अग्निवीर को ज्यादा मिलेंगे। ओके, इसके प्लीज डोंट टेक हिम कॉस्ट टू कंपनी वगैरह जैसे वर्ड, देयर इज नथिंग। फौज की नौकरी एक जज्बा है, इसको आप पे से नहीं तोल सकते। हाउएवर, जो ये आपके सामने दर्शाया गया है, ये सबसे पहले जो 17 लाख के करीब है ये उसकी पे है। एक सेवानिधि पैकेज है जिसके अंदर उसका योगदान 5 लाख है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से 5 लाख डालेगी, इन दोनों के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो तकरीबन 1.5 लाख होगा। सो टोटल पे उसको 4 लाख तकरीबन इतनी मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे बराबरी की रिस्क एंड अलाउंस नहीं लेगा, उसके जितने भी अलाउंसेज हैं सेम रहेंगे। अगर वो मेरे साथ सियाचिन में बैठा है ही विल गेट द सेम अलाउंस, अगर वो मेरे साथ राजस्थान में बैठा है तो उसको सेम अलाउंस मिलेगा, अगर वो मध्य प्रदेश में बैठा है मुझे भी नहीं मिल रहा, उसको भी नहीं मिल रहा। सो इट इज इक्वेटेड, देर इज नो डिफ्रेंसिएशन। वो साथ वाले बिस्तरे पर सो रहा होगा, वो वही कपड़े पहन रहा होगा जो मैं पहन रहा हूं, वो मेरे साथ लंगर में बैठ के खाना खा रहा होगा, देर इज नो डिफरेंस। कोई अलग बैरक नहीं बना दी अग्निवीर के लिए, बिकॉज उसने लड़ाई कल हमारे साथ करनी है, और अगर वो हमारे साथ देश के लिए बलिदान देगा तो देयर इज आई मीन कोई गुंजाइश ही नहीं है उसको हम किसी तरीके से रत्ती भर भी उसको हम अपना छोटा सोचे, नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। कि इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना में अग्निवीर बैच 1 of 22 के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 24 जून से शुरू हो जाएगी। ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जो हमारा वेल स्टैब्लिश्ड स्टार एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसी के तहत ये नोटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन चालू होगी। इसके ठीक एक महीने बाद 24 जुलाई से जो फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और दिसंबर के अंत तक हम पहले बैच अग्निवीर को एनरोल कर लेंगे और 30 दिसंबर से पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, और अगले 2-3 दिनों में 25 जून तक जो हमारा एडवर्टीजमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग
में पहुंच जाएगा। एयरफोर्स की तरह हमारा रिक्रूटमेंट भी ऑनलाइन होता है और वो भी एक महीने के अंदर जो हमारे स्टेप्स हैं रिक्रूटमेंट के वो सब शुरू हो जाएंगे। और मुझे हमारी जो टाइमलाइंस हैं उसके हिसाब से 21 नवंबर जो हमने डेट चुनी है, 21 नवंबर को हमारा फर्स्ट अग्निवीर हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है INS चिल्का उड़ीसा में वहां पर रिपोर्ट करना शुरू कर देगा। और जैसा कि आपको पता है, हमारे नौसेना अध्यक्ष ने पहले भी बताया था कि हम लोग अग्निवीर जो हमारे आएंगे नेवी में वो जेंडर न्यूट्रल रहेंगे, तो विमेन अग्निवीर भी हम लोग ले रहे हैं। और उसके लिए अपनी जो हमारी ट्रेनिंग करिकुलम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी मॉडिफिकेशन करना है, वो काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो मैं 21 नवंबर का वेट करता हूं और मुझे आशा है कि बोथ मेल एंड फीमेल अग्निवीर्स विल रिपोर्ट एट INS चिल्का। ये अग्निवीर का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये हम ऑलरेडी वेबसाइट पे लगा चुके हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कल हम इसका जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी लगा देंगे। ऑन 1st July वी विल हैव द नोटिफिकेशंस फ्रॉम ऑल द रिक्रूटिंग ऑफिसर्स और उसके बाद ये अपना अपना एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं जॉइन इंडिया आर्मी वेबसाइट पर। तो इसलिए हमारा जो रैलीज अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर चलेगा, ये दो बैचेस में हमारा इंडक्शन होंगे इनटू द ट्रेनिंग सेंटर्स। पहला जो लॉट है जो ज़्यादातर तकरीबन 25,000 के आसपास है वो आएंगे बाय दिसंबर 1st week और दिसंबर 2nd week। द नेक्स्ट लॉट विल कम इन द 1st half of February 2023।